छिंदवाड़ा में जय भीम सेना द्वारा कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा गया और यह मांग की गई कि तिहारी मजदूर जो रोज कमाते हैं खाते हैं, प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन उनके खाद्य पदार्थों की पूर्ति करें और जिला प्रशासन अस्पतालों में कोविड-19 मरीजों का इलाज सुचारू रूप से करे। छिंदवाड़ा जिले में बढ़ती हुई कोविड-19 को देखते हुए आज से 7 दिन का लॉकडाउन पूरे संपूर्ण जिले में प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन के द्वारा लगाया जा रहा है, जिसमें कि जो लोग रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, दिहाड़ी मजदूर वगैरह जो लोग हैं जिले में, वो उनको बहुत सारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि वो रोज लाते हैं, रोज खाते हैं। अभी 7 दिनों में उनके पास खाद्यान्न की व्यवस्था जिला प्रशासन और प्रदेश सरकार मिलकर सुचारू रूप से करें। दूसरी बात, जिला अस्पताल में अभी 2-3 दिन पहले, कल की भी एक घटना है, 4-5 वीडियो अपलोड हुआ कि वहाँ पे उनको मरीजों के इलाज के लिए भर्ती किया गया है, वहाँ पे उनसे 2,000 रुपये जमा करवाने के बाद भी उनको इंजेक्शन नहीं लगी। तो ऐसे लोग वहाँ पे बहुत सारे परिजन लोग भटक रहे हैं। तो इसलिए जिला प्रशासन, प्रदेश सरकार से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा अस्पताल प्रबंधन में अपना सुचारू रूप से और बेहतर बनाने की कोशिश करें, जिससे कि पूरे जिले में कोविड-19 को लेकर आम जनों के बीच में एक कोविड-19 को लेकर एक भय बना हुआ है, जिसको वो ठीक करें।